वो कहते ना कि कागज का एक टुकड़ा आपका भविष्य निर्धारित नहीं कर सकता। तेरे को समझ नहीं आया क्या? A single piece of paper cannot decide my future. पहले एक आ जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। समाज में एक ऐसा भ्रम बना हुआ है कि अगर एकेडमिक में आपके अच्छे मार्क्स रैंक या पोजीशन नहीं आई तो आप पीछे रह जाओगे। कंपटीशन के इस दौर में आप पिछड़ जाओगे और आप कभी भी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये प्रेशर जो है ना वो केवल बच्चों के ऊपर नहीं है, सामाजिक दायरे में ये प्रेशर माँ बाप के ऊपर बना हुआ है और माँ बाप इस प्रेशर से बचने के लिए वो प्रेशर बच्चों पर ट्रांसफर करते हैं कि आपके 90, 95, 100% मार्क्स आने चाहिए, तभी आप करियर में कुछ कर पाओगे और अपने आप को प्रूव कर पाओगे। अब माँ बाप के डाले हुए प्रेशर की वजह से बच्चा भी एक प्रेशर में और डिप्रेशन में आ जाता है। उसको लगता है कि मुझे एकेडमिक में कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए वो अपनी क्रिएटिविटी इनोवेशन और लर्निंग कैपेसिटी को भूलकर रटना शुरू कर देता है और रटने की वजह से वो केवल एक ऐसी मशीन बन जाता है जिसका काम होता है कि दी हुई ट्रांजैक्शन को आगे सर्कुलेट करना और वो अपनी इनोवेशन कैपेसिटी को भूलकर कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है। फ्रेंड्स, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एकेडमिक में कैसा परफॉर्म किया। जब आप अपनी रियल लाइफ में आएंगे ना तो आपकी दुनिया बिल्कुल अलग होगी। वहाँ एकेडमिक का कोई रोल नहीं है। ज़रूरत है आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप कितना अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप कितना अच्छा लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। आपकी यही काबिलियत ही आपको अपनी लाइफ में हर जगह पर जीत दिलाएगी। आप देखिए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो अपनी एकेडमिक लाइफ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए लेकिन उसके बावजूद भी वो बेस्ट नहीं वो सुपर हीरो बन गए, जैसे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, मार्क जुकरबर्ग, अल्बर्ट आइंस्टाइन, रामानुज। ये वो लोग हैं जिन्होंने एकेडमिक में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया पर रियल लाइफ में वो आपके भी एक तरह से मेंटोर हो सकते हैं। आप भी उनका जैसा बनना चाहते हैं, उनके जैसा दिखना चाहते हैं, उनके जैसे नाम और शोहरत और पैसा हासिल करना चाहते हैं। ये बात तो ठीक है लेकिन फिर भी एकेडमिक का अपनी लाइफ में एक रोल है, उसको आप बेहतर तरीके से ज़रूर अचीव करें। फ्रेंड्स, थ्री इडियट मूवी में भी इस बात को बेहतर तरीके से दर्शाया गया है। वहाँ देखा था आपने कि फरहान जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है, मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, उसके पेरेंट्स उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तो एक दिन वो अपने फादर से बोलता है कि पापा, मैं बहुत अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता लेकिन मैं बहुत अच्छा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन सकता हूँ। मैं पूरी ज़िंदगी केवल इस बात से घुटकर रहने वाला हूँ कि मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहता था और मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि उसके पिता के ऊपर भी समाज का बहुत बड़ा प्रेशर था कि अरे मेरा बेटा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करेगा तो कैसा उसका करियर होगा, और समाज ने भी प्रेशर उसके पिता के ऊपर बनाया हुआ था। अरे हंसेंगे लोग, वो क्या सोचेंगे। और वही प्रेशर उन्होंने अपने बेटे के ऊपर, फरहान के ऊपर बनाया था। लेकिन फरहान ने एक इनिशिएटिव लिया और अपने दिल की बात अपने पिता से कही और वो बहुत बड़ा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन गया। और फ्रेंड्स, ये तो मूवी की बात रही, मैं आपको अपनी लाइफ का रियल एग्जाम्पल बताऊँ। मेरी क्लास में 42 स्टूडेंट्स थे। मैं अपनी क्लास के फर्स्ट टॉप 5 स्टूडेंट्स में भी नहीं था, टॉप 10 में भी नहीं था, लेकिन मैं बिलो भी नहीं था, मैं एवरेज से अबव स्टूडेंट था। मतलब 12, 13, 14 नंबर पर मैं आता था। और मैंने देखा कि मुझे हमेशा ये महसूस होता था कि मेरे पेरेंट्स कभी इस बात को लेकर प्रेशराइज नहीं करते थे कि तेरे को टॉप 10 में आना है, टॉप 5 में आना है, टॉप 3 में आना है या फर्स्ट रैंक पर आना है। वो कहते बेटा, जैसा परफॉर्म कर रहे हो ना, तुम देखो तुम्हारे जीवन में तुम्हें क्या पसंद है, लाइफ से तुम्हारी सेट हो ही जाएगी। वो हमेशा मुझे पॉजिटिवली रिचार्ज करते थे जिसकी वजह से मेरा माइंड हमेशा इस बात को कॉन्सेंट्रेट करता था कि जो भी काम करना है ना वो मजे के साथ करना है, लर्निंग के साथ करना है, इनोवेशन के साथ करना है, नए आइडिया के साथ करना है। और मैं अपनी लाइफ में, अपने स्कूल में, एकेडमिक के साथ साथ बाकी सारी करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करता था और वहाँ भी बेहतर परफॉर्म करता था। और जब मैंने अपनी लाइफ में स्कूल और कॉलेज लाइफ कंप्लीट की, उसके बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए ना, तो मैंने देखा कि एक दिन मैं अपनी ऑडी A6 से जा रहा था तो मेरी क्लास का जो टॉप स्टूडेंट था, रैंक 1 था, वो एक दिन मुझे रेड लाइट पर मिला, वो एक बाइक पर था। मैंने पूछा, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? बोला, यार मैं तो एक कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव लगा हुआ। मैंने उसको कार्ड दिया और आज वो बंदा मेरी कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है। मैं अपनी क्लास का टॉप 10 भी नहीं था और मेरी क्लास का सबसे नालायक जो लड़का था ना, जो हमेशा लड़ाई करता रहता था एक दूसरे से, मतलब लड़ने भिड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता था, आज वो एक पॉलिटिकल पार्टी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एकेडमिक में आपने कैसा परफॉर्म किया है। और भी कई ऐसे एग्जाम्पल है। मेरा एक फ्रेंड जो टॉप 5 स्टूडेंट्स में रहता था, वो आज एक जी कंपनी, जी सॉफ्टवेयर में HR मैनेजर है। उसकी सैलरी लगभग 90,000 रुपये है। जिस बैंक में मैं अपना पेमेंट डिपॉजिट करने जाता हूँ, मेरी कंपनी का फंड डिपॉजिट होता है, वहाँ का जो कैशियर है ना, वो भी हमारी क्लास का एक टॉप स्टूडेंट था और वो रोज़ पैसे पर काम करता है, पर वो पैसा उसका नहीं है, 80-90 हज़ार रुपये उसकी सैलरी है, करोड़ों की ट्रांजेक्शन हमारी कंपनी उस बैंक के साथ करती है। तो फ्रेंड्स,
कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एकेडमिक में आपने कैसा परफॉर्म किया। और आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, बच्चे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग करियर बना रहे हैं, बहुत अधिक सफलता हासिल कर रहे हैं। हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं, कैरी विनाटी, भुवन बाम, सौरभ जोशी, टैक बर्नर, अमित बड़ाना, आशीष चिलचिलानी, और भी ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि उन लोगों ने भी एक नाम, शोहरत, एक रुतबा हासिल की है। आज लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके जैसा फेमस होना चाहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं पेरेंट्स और टीचर के लिए भी शेयर करना चाहता हूँ। कई बार उसको टॉप बनाने के लिए, हाईएस्ट मार्क्स लाने के लिए, टॉप रैंक लाने के लिए आप इतना प्रेशर बना देते हैं कि बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है। डिप्रेशन में आने की वजह से कई बार वो ऐसे ड्रग्स लेना शुरू कर देता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, या वो ऐसे दोस्तों के सर्कल में आ जाता है जहां उसको माइंड से रिलैक्सेशन फील होता है, गलत एक्टिविटी में पड़ जाता है। इसीलिए जरूरत है केवल बच्चे को ये समझाने की कि वो जिस भी तरह से जो भी परफॉर्म करता है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करे, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने पर ध्यान दे। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप टॉपर हैं या नहीं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जिस भी पोजीशन पे हैं ना, क्या वहां आप अपना 100% देने के लिए तैयार हैं। यदि आप 100% देने के लिए तैयार हैं ना, तो आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बेहतर जरूर करेंगे। वो कहते ना कि हर बच्चा हर काम नहीं कर सकता, लेकिन हर बच्चा कोई ना कोई एक काम ऐसा कर सकता है जैसा कोई दूसरा नहीं कर सकता। हो सकता है आप अच्छा गिटार बजा सकते हो, हो सकता है आप अच्छी स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हो। स्टैंड अप कॉमेडी भी आज के टाइम पर बहुत बड़ा करियर बन चुका है। कपिल शर्मा देख लीजिए आप, और बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखिए जो बहुत अधिक नाम, पैसा, रुतबा, शोहरत कमा रहे हैं। एक बैंक का लगा हुआ क्लर्क जो नहीं कमा पाता, उससे ज़्यादा पैसे वो लोग कमा रहे हैं। आप अच्छी कॉमेडी कर सकते हैं, आप अच्छा डांस कर सकते हैं, आप अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं, अच्छे जोक्स कर सकते हैं, आप अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप अच्छी यूट्यूब वीडियोज़ बना सकते हैं। आप लाइफ में जो कुछ परफॉर्म कर सकते हैं बेहतर, उसको अपने पैशन को ज़रूर फॉलो करें, उस पर हमेशा काम करते रहें, अपनी काबिलियत को हमेशा बढ़ाने का प्रयास करें। जितने ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपनी काबिलियत को बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा आप उस आर्ट में एक्सपर्ट होंगे, और जितने ज़्यादा एक्सपर्ट के रूप में आप उस आर्ट को परफॉर्म करेंगे, उतना बेस्ट आपको रिजल्ट मिलने वाला है। इसीलिए अब डेफिनेशन बदल चुकी है, कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, और पढ़ोगे लिखोगे तो भी बनोगे नवाब। तो ये आपकी इच्छा है कि आप पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं या दूसरी एक्टिविटीज़ के माध्यम से अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं। अपनी योग्यता को पहचाने, अपनी परफॉर्मेंस को पहचाने, अपने पैशन को पहचाने, और अपने पैशन को निखारने के लिए निरंतर प्रयास करें, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और लास्ट में अपनी बात को पूरा करने से पहले मैं टीचर्स और पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों की प्रतिभा को पहचाने, उसकी प्रतिभा में उसको आगे बढ़ने में मदद करें। हाँ, कहीं ना कहीं उसके मन में एक बात ये भी समझाएं कि आपको एकेडमिक में भी अच्छा परफॉर्म करना है। हम कोई प्रेशर नहीं बना रहे हैं, पर आपके बेहतर भविष्य के लिए आपकी बेहतर शिक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आपका पैशन है। अच्छी शिक्षा होगी तो अच्छे तरीके से अपने पैशन को भी आगे ले जा पाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।